जायंट गोल्डन काउ हाउस। रामू का घर गांव के बीच में था। राम बचपन से एक गाय को पाल रहा था। वो गाय उसे बहुत पसंद थी। हर सुबह उस गाय को घास खिलाता था और खेत में घुमाता था। कभी राम को कोई समस्या आती तो वो उस गाय के पास बैठकर अपने परेशानियों के बारे में बोलता रहता था। एक बार राम जमींदार के पास जाकर, श्रीमान, मैं इस साल मेरे खेत में टमाटर का फसल उगाने की सोच रहा हूँ, आप थोड़ी मदद करोगे तो फसल बेचने के बाद आए पैसों से आपको ब्याज के साथ साथ सारा कर्ज चुका दूंगा। तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे ले लो राम, कहकर उसे पैसे दे दिया। जमींदार का साला वो देखकर, ये क्या जीजा जी, इतने सालों में आप जितने चाहे उतने पैसे ले लो कहकर कहते हुए पहली बार सुन रहा हूँ, आपका उद्देश्य क्या है? रे पागल, उसका घर गांव के बीचों बीच है रे, ब्याज पे ब्याज डालकर उस घर को हड़प लेने की सोच रहा हूँ, देखते रहना। ऐसे राम जमींदार के पास लिए पैसों से टमाटर का फसल डाला। मगर थोड़े दिनों के बाद उस गांव में बड़ा तूफान आने के कारण उसका फसल बर्बाद हो गया था। जमींदार तब राम के पास आकर, अरे रे रे रे, क्या हो गया, तुम्हारा सारा फसल बर्बाद हो गया, फिर तो तुम मेरे पैसे कैसे लौटाओगे? मुझे थोड़े दिन की मोहलत दीजिए, कुछ भी करके पैसे दे दूंगा। कैसे दोगे भाई, एक तरफ तुम्हारा फसल नाश हो गया है, अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है? ठीक है, एक काम करो, तुम्हारा घर मुझे देकर पैसे देने के बाद फिर ले लेना। राम तब लाचार होकर घर से अपने गाय के साथ बाहर आ गया। उस शाम रामू उस गाय से, देखा अब मेरे पास कुछ नहीं है, सच कहूँ तो तुम्हारे सिवाय मेरे लिए कोई नहीं है। अच्छा रुको, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया ना, खाने के लिए कुछ लाऊंगा, कहकर घास काट कर लाया। राम, तुम्हारा कितना बड़ा दिल है, अपने घर को खो बैठने के बाद भी मुझ पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ आए। यूं बोली और एकदम से वो गाय एक बड़े गोल्डन काउ में बदल गई। रामू वो देखकर दंग रह गया। अचानक से उस गाय के पेट में से दरवाजे खुले और सीढ़ियां प्रत्यक्ष हुए। राम, मैं एक चमत्कारी गाय हूँ, इतने साल मेरी सेवा करने के लिए मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। बस राम वो सीढ़ियाँ चढ़कर गाय के पेट में के दरवाजे को खोलकर देखा कि पेट के अंदर बहुत सारा सोना और पैसे थे। राम उन्हें लेकर बाहर आया। मैं इन पैसों का क्या करूँगा, तुम मेरे साथ हो तो बस है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखो राम, एक मुनीश्वर के श्राप के वजह से मैं तुम्हारे पास आई, जो कोई भी अपने सारे जायदाद को मेरे लिए गवा कर फिर मेरे लिए खड़ा होगा तभी मैं श्राप से मुक्त होंगी कहकर उस मुनीश्वर ने कहा था। इतने सालों बाद मैं श्राप से मुक्त हुई हूँ, इतने सालों में तुम्हारे किए गए सेवा के लिए और मेरे प्रति प्यार के लिए मैं तुम्हें ये दे रही हूँ, मना मत करो, इन पैसों से तुम फिर अपने घर को वापस लो, कहकर वो गाय गायब हो गई। पेट्रोल चोर, इसका नाम सुभाष है, वो हर दिन हाईवे पर पेट्रोल को बॉटल्स में डालकर बेचा करता था। पेट्रोल भाई पेट्रोल, प्योर पेट्रोल, शुद्ध पेट्रोल, लीटर सिर्फ 50 रुपए में, कहते हुए पेट्रोल बेचता था। उस हाईवे पर इस तरफ और आगे की तरफ भी पेट्रोल पंप ना होने के कारण सुभाष का अच्छे ग्राहक आया करते थे। एक दिन घर के पास सुभाष की पत्नी कावेरी, बगल वाली कमला टीवी एसी वॉशिंग मशीन फ्रिज इत्यादि खरीदी है जी, मुझे भी खरीद कर दीजिए ना। उतने पैसे मेरे पास कहाँ है रे, रुपए रुपए बचा कर खरीदूंगा, ठीक है? रुपये रुपये बचा कर खरीदोगे उसके लिए जन्म लग जाएंगे, मुझे अभी चाहिए। तो मैं क्या करूँ, अभी क्या अभी कैसे होगा? मुझे वो सब नहीं पता, मुझे एसी फ्रिज तो चाहिए ही चाहिए, और वैसे आप और वो एक ही पेट्रोल का व्यापार करते हैं ना, तो वो कैसे खरीद पा रहा है और आप नहीं? कल से मैं भी आपके साथ व्यापार करूंगी, आप पर भरोसा करके बैठी तो हो गया कल्याण। फिर अगले दिन कावेरी, आप पेट्रोल पेट्रोल, यू हाईवे पर पुकारने लगी। इस तरह जो भी हाईवे पे आते थे वो कावेरी के पास और सुभाष के पास पेट्रोल खरीदते थे। एक दिन कावेरी, ओ जी पता चल गया कि व्यापार कैसे करना है, लेकिन मुझे पेट्रोल सिटी में बेचने का मन कर रहा है। सिटी में क्यों, वहाँ तो बहुत सारे पेट्रोल पंप्स होते हैं ना। आपको नहीं पता जी, आप मेरे साथ आइए, कहते हुए एक बड़े पार्किंग एरिया के पास ले जाकर वहाँ कावेरी एक मोटरसाइकिल के पास जाकर पेट्रोल को उस बाइक से निकालकर बोतल में भरी।
कई बाइक से पेट्रोल चोरी करके पार्किंग एरिया से कुछ दूर। पेट्रोल पेट्रोल कहते हुए पेट्रोल बेचने लगी। अरे सुनती हो, ये गलत है। हमें ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि चोरी करनी पड़े। आप चुप रहिए, आप पेट्रोल पेट्रोल क्यों बेचने लगी। इतने में पार्किंग से आ रहा एक बाइक वाला आगे से जब आ रहा था कि बाइक अचानक से रुक गई। ये क्या, गाड़ी ऐसे रुक गई? अभी अभी तो पेट्रोल भरवाया था, इतनी जल्दी खत्म हो गया? क्यों सोचा। इतने में वहाँ कावेरी के पेट्रोल बेचते हुए देखने से, ये लो एक लीटर पेट्रोल दो। फिर कावेरी उसे एक लीटर पेट्रोल दी। उस शाम सुभाष से कावेरी, देखा कितना फायदा हुआ। जब हम हाईवे पर बेचते थे तब हमें सिर्फ 5 रुपए ही बचते थे, लेकिन यहाँ 20 रुपए तक बच रहे हैं। हम अपने खुद का पेट्रोल बंक भी शुरू कर सकते हैं। पता नहीं, जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं लग रहा है। एक दिन कावेरी पैसों का हिसाब करते हुए, अब्बा 2 लाख रुपए कमा लिए मैंने। अब और 5 लाख कर लिया इसको तो घर पर टीवी फ्रिज एसी सब खरीद सकते हैं। अब कब तक ऐसे छोटी छोटी बाइक से पेट्रोल चुराएंगे, इस बार सीधे कार से पेट्रोल चोरी करूंगी। सोचकर एक कार के नीचे जाकर पेट्रोल को बोतल में भरने लगी। उस गांव में राज नाम का एक चोर हुआ करता था। वो स्कूटर बाइक चोरी किया करता था। एक बार राज एक गाड़ी को देखकर, ओहो नया मॉडल लगता है, इसे चोरी कर लिया तो आहा। यूं चोरी करने वाला ही था तो थोड़ी दूर से कावेरी को यूं कार के नीचे से पेट्रोल चोरी करते हुए देखकर, हे भगवान पेट्रोल की चोरी, हा वो भी एक लड़की, वाह मुझे ही कंपटीशन। रुको इसको सबक सिखाऊंगा। सोचकर कावेरी का पीछा करते हुए घर के पास पहुंच गया। घर की खिड़की के बाहर से देख रहा था तो कावेरी पैसों की गिनती करते हुए, अम्मा पूरे 5 लाख हो गए, अब कल से हम चोरी करना बंद कर देंगे। क्यों सोची। ये पैसे हमें क्यों, ये हमारे पैसे नहीं है ना। खैर तुम्हारी मर्जी, मैं अभी आता हूँ, कहकर भाग गया। इतने में कुछ देर बाद राज पुलिस के रूप में आकर, यू आर अंडर अरेस्ट, कहकर जोर से कहा। कावेरी दंग रह गई। वो तुम ही हो ना जो पार्किंग में पेट्रोल की चोरी करती हो, आपके पति ने हमें सब कुछ बता दिया है। कावेरी क्या करे समझ नहीं पाई। बोलो वो रुपए कहाँ छुपाए हो। यूं जोर से कहते ही कावेरी घबराकर सारे पैसे उसे दे दी। फिर से कभी इस एरिया में नजर आई तो जेल में डाल दूंगा, ध्यान रहे खबरदार, कहकर वहाँ से चला गया। इतने में सुभाष आकर, हाँ चले। क्या जी मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे क्या। अब मैं इतनी मेहनत से कमाए पैसे पूरे पुलिस को दिलवा दिए, आप अब खुश हो क्या। क्या बात कर रही हो, मैं पुलिस के पास क्यों जाऊंगा, मैं तो टैक्सी लेने गया था। तो फिर अब वो पुलिस के गेटअप में कौन आया। अयो यानी कोई हमारी बातें सुनकर पुलिस के वेश में आकर सारे पैसे ले लिए जी। जादुई दूध वाला। ये जबलपुर नाम का गांव है। इस गांव में नीरजा नाम की हाउसवाइफ हुआ करती थी। उसका बलबीर नाम का बेटा था। हर सुबह नीरजा, बलबीर उठो गाय से दूध निकालना है चलो, कहकर बलबीर को गाय से दूध निकालना सिखाती थी। दूध को बेचकर वो घर चलाया करती थी। एक दिन बलबीर नीरजा से, माँ हमारे पास सिर्फ 2 गाय क्यों हैं? अगर और होते तो अच्छा होता ना, हम गाय से और दूध निकाल पाते और बेचकर बहुत सारी पैसे कमा सकते थे। हाँ सही है, लेकिन अभी मिले पैसे सिर्फ हमारे खाने के लिए काफी हैं। अब और गाय खरीदना मुश्किल है बेटा, कहकर चली गई। कुछ दिन बाद रोज की तरह बलबीर और नीरजा दूध निकालने गाय के पास गए। बहुत कोशिश करने पर भी एक बूंद दूध तक नहीं निकला। बलबीर आजकल ये गाय दूध नहीं दे रही है, जरा डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आकर जांच करने के बाद, ये गाय की अब उम्र हो गई है, अब ये गाय और दूध नहीं दे सकती, अब इसे बेचना ही बेहतर होगा। वो बातें सुनकर नीरजा, ठीक है डॉक्टर जल्दी बेच दूंगी।
माँ आप हमारे गाय को बेच दोगे? ऐसे मत करो माँ, अब तक इसी गाय ने हमें दूध दिया था, इसके बुढ़ापे में इसे हमारे साथ ही रहने दो माँ, इसकी देखभाल मैं कर लूँगा। कहा। नीरजा बलबीर की बातों को ठुकरा ना सकी और ठीक है कहा। तब से बलबीर उस गाय की अच्छे से देखभाल करने लगा। अचानक बदकिस्मती से एक दिन दूध देने वाली गाय मर गई। अयो बलबीर अब क्या करें, हमें दूध देने वाली इकलौती गाय मर गई, अब क्या करेंगे? अब भी समय है, इसे बेचकर मिले पैसों से हम कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं। नहीं माँ, मुझे मंजूर नहीं है, मेरे साथ खेलने और हमारे साथ डटकर रहने वाली बस यही एक गाय है, प्लीज माँ इसे मत बेचो, मैं मेहनत करके पैसा कमा लूंगा। कहकर अगले दिन से अपने घर और गाय के लिए किसी और के पास दूध वाले के तौर पर काम करने लगा। अपने माँ के सिखाए गए तरीकों से बलबीर बहुत जल्द गाय से दूध निकालकर मार्केट में बेचने लगा, फिर पैसे अपने मालिक को दिया करता था। एक दिन बलबीर मालिक से, ये लीजिए सर आपके पैसे, मेरी तनख्वाह दे दीजिए सर, मैं निकलता हूँ। इस तरह बलबीर कुछ ना कुछ करके माँ और गाय को अच्छे से देखने लगा। एक दिन बलबीर गाय को खाना डालते वक्त, बेटा बलबीर कहकर एक आवाज सुनाई दी। इसे सुनकर बलबीर घबरा गया, आवाज कहाँ से आ रही थी ये पता करने इधर उधर देखने लगा। कौन कौन बात कर रहा है, कौन है कहा। बेटा बलबीर जिसे तुम खाना खिला रहे हो मैं वही गाय हूँ। गाय को बात करते देख बलबीर चकित रह गया। देखो बलबीर मैं एक जादुई गाय हूँ, तुम्हारी सेवा करने का तरीका देख कर मैं बहुत खुश हुई, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान दे रही हूँ, मैं हर दिन एक बूंद दूध दूंगी, उस बूंद को तुम जिस भी पतीले में डालोगे वो पतीला पूरा दूध से भर जाएगा। ये बातें सुनकर बलबीर खुश होकर, बहुत खुश हुई गौ माता कहा। अगले दिन सुबह एक बड़ा पतीला लाकर उसमें एक बूंद दूध डाला, बस वो पूरा पतीला दूध से भर गया। सारी बातें अपनी माँ को बताया, उसकी माँ बहुत खुश हुई। बलबीर उस दूध को बेचकर बहुत सारे गाय भी खरीद लिया, बहुत पैसे कमाने लगा। इस तरह वे सब खुशी से जीने लगे।